ए भाई, ये रूट 360 क्या है? हाय दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फरहान अहमली विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द रूट 360 और लेकर आया हूं एक नया हैंगआउट, एक नया एडवेंचर। और हमें बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू गो टू DHA। सो आज हम DHA में हैं, एक बहुत ही इंटरटेनिंग प्लेस पे, जो हमें सजेस्ट किया फेसबुक पे रोनी जॉनसन और बिलाल रजा ने। और यहाँ की एक खास बात बताता चलूँ कि जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे आप बॉलिंग कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद हैं। आई एम रियली एक्साइटेड और मैं चाहूंगा कि ये सब चीजें हम अंदर जाके एक्सप्लोर करें और चल के देखते हैं। लेट्स गो। के अंदर मैं एंटर हो चुका हूं और यहां पे गेम खेलने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। सो उनमें से रूल नंबर फर्स्ट ये है कि जो आपके शूज़ हैं आपको वो चेंज करने पड़ते हैं। ये अपटाउन एले का शूज़ कॉर्नर है और यहां पे डिफरेंट मतलब के साइज़ के शूज़ हैं और आई एम गोना चूज़ दिस 12 नंबर। सो चेंज करते हैं और चलते हैं। दोस्तों, रूल नंबर वन हो चुका है पूरा, जो कि शूज़ थे। और शूज़ के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये शूज़ रखने का यहाँ पे ख़ास मकसद है क्योंकि ये इम्पोर्टेड शूज़ होते हैं। दूसरा ये कि इसके जो लेफ़्ट शूज़ होता है उसमें थोड़ा सा स्लिपरी होता है और जो कि राइट वाला होता है वो थोड़ा ब्रेक होता है। और इसको रखने का मकसद ये है कि कहीं ये ना हो कि आप स्लिप करके बॉल की जगह पूरी चले जाएँ पिन की तरफ। सो अब रूल नंबर टू हम फॉलो करेंगे, जो कि है यहाँ पर गेम को सेट करना। मोस्टली जगहों पे इस तरह होता है कि गेम ऑटोमेटिकली सेट होती है, लेकिन यहाँ पे अपने वाले में आपको खुद गेम सेट करनी पड़ती है। सो लेट्स सेट द गेम। रूल नंबर थ्री, यहाँ पे बॉल्स डिफरेंट किस्म की कैटेगरी के हैं। डिफरेंट कैटेगरी से मुझे कि डिफरेंट यहाँ पे बॉल्स का वेट है और इसे कैटेगराइज किया गया है औरतों, बच्चों और एडल्ट में। मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे किसी को बॉलिंग नहीं आती तो यहाँ पे कोई उसको ट्रेन भी करता है कोई, मतलब आप बताते हैं कि या फिर जो है शुरू हो जाए? बिल्कुल, हमारे पास हर वक्त ऑन फ्लोर पे लड़का होता है जो आपको बताता है कि किस तरह से आपने खेलना है। जो बिगिनर्स आते हैं यहाँ पर, जितने किस्म के लोग आते हैं, वो यहाँ पर आपको खड़े हुए मिलते हैं। आपको हर किस्म का, ये नहीं कि गेम लगा दी और बंदा चला गया, वो आपके पास रहेगा, आपको गाइडलाइन देगा, यहाँ खड़ा रहेगा और आपको गेम भी एंटर करके देगा, उसके रूल्स भी बताएगा और ये हर चीज़ आपको बताएगा। वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, गेम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हर चीज़ बताएगा। दोस्तों, इस वक्त मैं बॉलिंग करने जा रहा हूँ और इस वक्त बिलाल मुझे यहाँ पे मतलब कि टोटली गाइड करेंगे और चलते हैं और जाके बॉलिंग करते हैं। अमार, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे बॉलिंग एरिया में बॉलिंग कर रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत कम ऐसे चांसेस मिलते हैं कि हम बाहर आ जाएं और ये बॉलिंग वगैरह करें, तो इसलिए बड़ा मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स के साथ बाहर आए हैं और अच्छा लग रहा है। तुम्हारे मसल भी काफ़ी बन गया बॉल उठा उठा के? नहीं, बस मसल तो बस अच्छा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उन सब लोगों को क्या रिकमेंडेशन है, घर बैठे हुए हैं बेचारे, मतलब फेसबुक पे कमेंट करते रहते हैं और कुछ करते नहीं, बाहर आते नहीं हैं, उनको बताओ जरा। यही कहना चाहूँगा कि बाहर आया करें, बाहर आके अच्छा होता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, सिर्फ घर बैठ के सही नहीं है। बाहर आए आप बहुत कुछ आप लर्न करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो बाहर जाना चाहिए। यहाँ तुमने अपटाउन एले पे आके क्या सीखा? मुझे तो लगता है बेहतरीन जगह है ये। अपटाउन एले में यही सीखा कि जाके मज़ा बहुत कर सकते हैं, मज़ा बहुत कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे बॉलिंग करना स्टार्ट होता है वो रुकता ही नहीं है, पता है। There's a family entertainment club which include all the items like restaurants, banquet halls, meeting halls, conference halls and guest rooms. We provide recreational for the youth, for the family, for all age of the group, so they can come and they can enjoy indoor games like bowling,
special game for every age of group. They can play with the mom, with the brother, with the sister, with the dad, and every age of group can enjoy here for the bowling. Hey, bhai, ye route 360 kya hai?